हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? गाइज, मैं आज एक वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मैं उसमें रिव्यू लेकर आई हूँ, ग्रीन टी का रिव्यू। देखिए, मैं ग्रीन टी पी रही हूँ, तो अब जायज सी बात है कि ग्रीन टी का ही रिव्यू लेकर आई हूँ। कौन सी ग्रीन टी है सबसे पहले मैं आप लोगों को वो दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैं जो ग्रीन टी का रिव्यू लेकर आई हूँ, मैं लेकर आई हूँ इंडिया ऑर्गेनिक टी, जो जिसमें आपको तुलसी ग्रीन टी क्लासिक रहेगा और ऑर्गेनिक इंडिया है। देखिए इसके इस तरीके से पैकिंग है, आप देख रहे हो तो। ये देखिए, अब मैं ये भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, अब आप बोल रहे होंगे सेम है तो अलग क्या है, तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ इन दोनों में हल्का सा चेंज है। यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं। ये देखिए, हल्का सा चेंज है, अदरवाइज बिल्कुल सेम है। मैं आज से नहीं पी रही हूँ उसको, मैं 2 साल से पी रही हूँ और 2 साल में मेरे 2 डब्बे अभी तक कंटिन्यू चल रहे हैं। इसमें हल्का सा इतना रह गया, मैं दिखा देती हूँ। ये तो खाली है और इसमें बिल्कुल इतना सा नीचे रह गया है। किस तरीके की चाय, मैं आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, जस्ट इस तरीके से पत्तियों को क्रश करके बनाया हुआ है। ये देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि तुलसी टी है, तो मैं सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ, तो आप समझ जाएंगे कि कैसे क्रश किया हुआ है। ये जो ग्रीन टी जो होती है कैमेलिया लीव्स के साथ में, इसमें 3 तुलसी यूज़ किया हुआ है। तुलसी यूज़ हो रखी है तो मैं बता देती हूँ, कैमेलिया ग्रीन टी लीव्स के साथ में इसमें 3 टाइप ऑफ तुलसी यूज़ हो रखा है। एक नंबर पे जो तुलसी है वो है रामा तुलसी, उसमें भी इसको यूज़ किया हुआ है। कृष्णा तुलसी, इसको भी इसमें यूज़ किया हुआ है। वाना तुलसी, इसमें ये भी यूज़ रखा है। ये 3 तुलसी को इसमें लीव्स सुखाकर इसके जस्ट ऐसे क्रश, मतलब पूरा मैश करके, पूरा इसका पाउडर बना के इस तरीके से इसका बना रखा। पूरा एकदम पाउडर नहीं है, आपको दिखाया है मैंने। ये इस तरीके से है कि जैसे सुखा के जस्ट हम लोग धनिए का या पुदीने का पाउडर रख लेते हैं रायते वगैरह के लिए, तो इस तरीके से इसका ही पाउडर बना रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि टी बैग नहीं है, पाउडर से कैसे चाय बना दे, तो मैंने पाउडर से चाय बनाई। सबसे पहले तो मैं आपको वीडियो बना दिखा देती हूँ, उसके बाद में हम ये। सबसे पहले मैं गर्म पानी कर लेती हूँ 1 कप। गर्म पानी हो जाने के बाद इसमें पाउडर ऐड कर लेती हूँ, आधे में से आधा चम्मच, और गैस बंद करने के बाद मैं इसको ढक देती हूँ। 1 मिनट के बाद मैं इसको खोलकर चाय को छान लूँगी। ये देखिए, गैस बंद करने के बावजूद भी 1 मिनट के बाद मेरा चाय कितना अच्छा बना है। और अब मैं इसको कप में डाल लेती हूँ, मेरी चाय रेडी है। देख रहे होंगे इतना स्ट्रॉन्ग, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं नहीं पीती हूँ, इससे लाइट नहीं पीती हूँ। अगर मैं टी बैग लेती हूँ उसको 4-5 बार ऐसे डिप करूँगी तो वो इससे ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर मैं कम बार करूँ तो फिर जो उसके अंदर की लीव्स हैं हम उसको दोबारा यूज़ नहीं करते, या तो उसको पौधों में डालना रहता है, या फिर अगर आपको फेस ब्यूटी के लिए किसी के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए यूज़ कर सकते, बट पीने के लिए हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर वो पूरा पैक ख़राब हो गया ना। तो इसलिए मैं इसको पाउडर को मंगाई हूँ कि जितना मुझे रिक्वायर है इतना मैं डाल के इसमें बना लेती हूँ, इसलिए मैंने टी बैग नहीं लिया। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे लिए पाउडर से बेटर तो टी बैग ही है, तो आप टी बैग भी ले सकते हैं। इसको मैंने सॉस पैन में बनाया है, बॉयल्ड वाटर करके उसमें थोड़ी देर के लिए ढक के। आप चाहे तो टी बैग डायरेक्ट कप में बॉयल्ड वाटर डालिए और डायरेक्ट उसको डिप कर दीजिए, जितनी आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए इतना आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। 30 सेकेंड के लिए, 1 मिनट के लिए भी छोड़ेंगे तो काफ़ी इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये मैंने बहुत ही कम इसमें यूज़ किया है तब जाके मुझे, और इतना ही मेरे लिए ठीक है। और अभी तो मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। अगर आप चाहे तो इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं, तो इस तरीके से ले सकते हैं। अब हम आते हैं इसके बेनिफिट। बहुत ही आसान है, जैसे इस पर खुद इसमें भी बताया हुआ है। ये देखिए, आप देख ही रहे होंगे इसमें सब कुछ बताया हुआ है इस तरीके से। सबसे पहले तो इसे स्ट्रेस रिलीफ है। आजकल की दुनिया में कितना, मतलब कोरोना स्ट्रेस हो गया है घर में रह के लॉकडाउन में सबको, तो उसके लिए तो ये सबसे बेस्ट है। स्ट्रेस आपको लगेगा ही नहीं इसको पीने से, सबसे पहले तो यही बताऊँगी। उसके बाद में अगर आपको बीपी प्रॉब्लम है, कुछ भी बीपी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको बीपी में काफ़ी फ़ायदा रहेगा। अगर आप पतले होने चाहते हो, मोटे हैं, या थोड़ा डिलीवरी के बाद लेडीज़ काफ़ी मेरी तरह मोटी हो जाती है, उसके लिए आप थोड़ा सा कंटिन्यू रख सकते हैं विद पेशेंस, तो आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, रेसेस का, या गर्मी में कोई एलर्जी हो जाती है इस तरीके से, उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके फेस पे काफ़ी सारे पिंपल्स वगैरह निकलते हैं और वो बाद में दाग छोड़ देते हैं और आप इसको कंटिन्यू पी रहे हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप डायबिटीज़ से लग रहा है कि मुझे इसमें पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, तो आप उसमें भी बेशक पी सकते हैं।
और बिल्कुल इसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा, और ये जैसे इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, इसमें भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको अगर आप चाहे तो 2 से 3 बार आराम से पी सकते हैं, मैं इसको सिर्फ 2 बार पीती हूँ क्योंकि मैं जो एक रेगुलर टी है उसको भी लेती हूँ, लेकिन इसकी मैंने एक स्पेशल जगह बनाई हुई है तो मैं इसको भी लेती हूँ। तो इसमें इसके इतने सारे फ़ायदे हैं, वैसे सारे फ़ायदे इसमें बहुत सारे लिखे हुए हैं, कोल्ड कप में भी आप इसको पी सकते हैं उसमें भी, और बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इसको देखिए, इसमें सारे दिए हुए हैं, आप इजीली देख सकते हैं। और ये डब्बे में कितना आता है मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ, 100 ग्राम का ये डब्बा है और ये 230 रुपीज़ का है। ये आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, मैंने देखा है ऑनलाइन भी इजीली मिल जाता है, इसके बैग भी और पाउडर भी दोनों इजीली मिल जाएगा। अगर आप किसी शॉप से या किसी हैंडलूम वगैरह ऐसे लेना चाहते हो तो वहाँ से भी आपको इजीली मिल जाएगा। मैंने अभी ऑनलाइन नहीं लिया है क्योंकि मुझे इजीली ऐसे ही मिल जाता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लिया है। इसके बैग भी आते हैं और इसका पाउडर भी आता है, बट मैं इसका पाउडर ज़्यादा प्रीफर करती हूँ क्योंकि अपने अकॉर्डिंग इसको जितना डालना है इतना हम इसको डाल के पी सकते हैं। तो इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट, बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, इसमें घबराए नहीं, ये मत सोचिए कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है या कौन सा नहीं। और वैसे भी बहुत सारी चाय पत्ती मैं मतलब यूज़ करते रहते हूँ, मेरे हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं, जो भी वहाँ से चाय से रिलेटेड या कुछ भी ऐसे होता है तो वो लेकर आते हैं। और हम कॉफ़ी जैसे टटली टी हो गई, ब्लैक टी हो गई या फिर ग्रीन कॉफ़ी हो गई, तो जो भी है हम टेस्ट करते रहते हैं। और काफ़ी मतलब मुझे रहता है कि हाँ टेस्ट करके इसको देखो क्या क्या बेनिफिट्स है। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेशक यूज़ कर सकते हैं, इसके बहुत अच्छे फायदे। अगर आपके जरा से भी काम ये वीडियो आ रही हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। आपको वीडियो अच्छे लगे तो मुझे सब्सक्राइब भी कर देना विद घंटी बेल, और अगर आप चाय पीना चाहते हो तो बिल्कुल चाय भी पी सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना है।